रखने की सूचना से मॉकड्रिल किया गया, किस तरह से मॉकड्रिल किया गया है? देखिए, ये रेडीनेस के लिए, जो अलर्टनेस के लिए हम लोग एक मॉकड्रिल करते हैं, ठीक है। आज हमने एक मॉकड्रिल का आयोजन किया था, फन सिनेमा को उसमें लिया था, फन मॉल को लिया था हम लोगों ने एक उसके रूप में। और फन मॉल में एक हमने थर्ड पर्सन के द्वारा जो है गोमती नगर क्षेत्र के अंदर में आता है, तो गोमती नगर फायर स्टेशन को डायरेक्ट फ़ोन कराया था कि फन मॉल में सेकेंड फ्लोर पर आग लगी हुई है किसी शोरूम में, और उसमें 8-9 लोग 10 लोग फंसे भी हैं। इस तरह की सूचना दी गई है गोमती नगर फायर स्टेशन को। तो सूचना के तत्काल बाद वहाँ से गाड़ियाँ रवाना की गई हैं, और 3:09 पे गाड़ी पहुँची है, या 3:57 की सूचना है, और 3:09 पे गाड़ी पहुँची है यहाँ पे, 4:09 पे गाड़ी पहुँची है। लगभग 8 से 10 मिनट लगा है, क्योंकि फंसे होने की संभावना यहाँ पे थी 10 से 12 लोगों की। तो तत्काल गोमती नगर जो स्टेशन है वहाँ के कंट्रोल रूम द्वारा मुझे सूचित किया गया, मैंने तत्काल गंज को और नियरेस्ट जो फायर स्टेशन है इंदिरा नगर उनको सूचना दी, जिससे कि इंदिरा नगर की भी का भी रिस्पांस टाइम चेक हो गया और गंज का भी रिस्पांस टाइम चेक हो गया। इन द मीन टाइम फायर स्टेशन चौक को भी हमने सहायतार्थ जो है गाड़ी की बुलाई और उनका भी रिस्पांस टाइम चेक किया। ये देखने पर पता चला है कि लोग मैक्सिमम गाड़ियाँ जो है 3:04 पर गोमती नगर से पहली गाड़ी आई है, 3:10 पर इंदिरा नगर से दूसरी गाड़ी आई है, साइमल्टेनियस उसके साथ ही लगातार गाड़ियों का आना सिलसिला जारी रहा है। तो जो रिस्पांस टाइम रहा ओवरऑल जो देखने को मिला है वो काफ़ी ठीक ठाक है, अच्छी काफ़ी कम समय में लोग पहुंचे हैं, 8 से 10 मिनट लगा है, जो उचित प्रतीत होता है। बाकी गाड़ियों में जो रखे गए इक्विपमेंट्स थे उनको चेक किया गया है, लोगों ने गाड़ियों में जो भी प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं वो रखे हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सब लोग बावर्दी दुरुस्त हैं और हेलमेट वगैरह सब लोगों ने पहना हुआ है। और हम लोगों ने यहाँ पे अपना जो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है उसको भी ओपन किया है, हमने इसके छत पर उसको पहुँचाया है, वहाँ 2 लोगों को 3 लोग वहाँ गए हैं, और जिससे कि अगर इमरजेंसी में वहाँ से रेस्क्यू कैसे किया जा सकता है उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा है कि किया जा सकता है, कहाँ तक पहुँची जा सकती है एमसी द्वारा। बाकी एक हज़रतगंज में भी अभी एक मॉक ड्रिल की गई थी। जी हाँ, इसके कुछ देर पहले 3:21 पे एक आर्यन रेस्टोरेंट है, वहाँ हमने खुद ने जो है किसी थर्ड पर्सन के द्वारा एक सूचना दिलवाई गंज में कि वहाँ आग लगी है, वहाँ भी कुछ लोग फंसे होने की संभावना थी। तत्काल वहाँ से 3:25 पे गाड़ी पहुँच गई है 4 मिनट के अंदर, और उसके साथ ही उन्होंने एक अच्छा काम किया कि फंसे होने की सूचना मिलते ही साथ में हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी भेजा है, तो 3:27 पे हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी पहुँच गई है, जिसका रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी ठीक ठाक रहा है।